सारा, मुझे ऐसा लगता है कि जो दीवार शब था दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन योर करियर. उसके बाद आपने जो चॉइसेस की हैं वो बहुत ही एक्सपेरिमेंटल, बहुत बोल्ड. क्या थोड़ा प्रोसेस क्या था? मैं हमेशा से इसी तरह के किरदार करना चाहती थी, लेकिन जब आप नए होते हैं ना और आपके पास लोग आप पे एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते, ख़ासतौर पे नए लोगों पे, उन्हें लगता है कि पता नहीं कर सकती है नहीं कर सकती. तो उस वक्त तक मैं उस प्रोसेस में थी कि काश मुझे वो मिल जाए और मैं उसमें कुछ करके इन्हें दिखा दूँ कि मैं कर सकती हूँ एक्चुअली. तो दीवारें शब के बाद जब वो अच्छा गया माशाल्लाह, तो मेरे पास बहुत सारी चॉइस थी कि मैं किस किरदार को करूँ. तो मुझे करना था बिल्कुल अलग, जो मैं हो ही नहीं. तो मैंने मिराल किया था और मिराल में मुझे बहुत मज़ा आया था और मैं चाहती थी कि मिराल वाला किरदार मैं और भी करूँ. फिर मैंने किया रक्से बिस्मिल, वो भी एक मुख्तलिफ किरदार था, बहुत मुख्तलिफ. लेकिन मुझे लगता है कि आज तक चाहे वो मिराल हो, सबात हो या हम तुम हो, ये जो किरदार मैं कर रही हूँ ना मबाल में, ये मेरे मतलब ये किसी ने सोचा ही नहीं. सबात भी सोच सकते हैं, मिराल भी सोच सकते हैं, महा भी सोच सकते हैं. हाँ थोड़ा मुश्किल लोगों के लिए था लेकिन ये मैं खुद भी नहीं सोच सकती थी कि क्या मेरे अंदर से ये भी निकलेगा. क्या ऐसा क्या है इस कैरेक्टर में? देखिए, इस कैरेक्टर का नाम है अनम और इसको एक वर्ड डिफाइन करता है मेरी नज़र में, वो है बेवकूफ़. अच्छा. हाँ, एक होता है इंसान, एक होता है नेगेटिव इंसान कि वो है नेगेटिव, और एक होता है बेवकूफ़ इंसान जो बेवकूफ़ी में गलत काम कर देता है, जिसको लोग नेगेटिव कहते हैं हमारे यहाँ. तो मेरी नज़र में बेवकूफ़ लड़की है जो अपनी बेवकूफ़ी के अंदर आके बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ कर देती. अच्छा. है, और एक तरह से ये लालची भी है. तो उस लालच में, बेवकूफ़ी में स्टूपिड लड़की है. बस स्टूपिड लड़की, इसको कमज़ोर लड़की है. कमज़ोर लड़की नहीं है, नहीं है. इसको पता है इसको क्या चाहिए. हाँ. इसको पता है इसको क्या करना है. हाँ. और ये अपनी बातें मनवाती है. राइट. कमज़ोर किसी भी ये मुझे खुशी हो रही है बिकॉज आपके पिछले चारों कैरेक्टर्स कमज़ोर नहीं थे बिल्कुल. उनमें मुख्तलिफ किस्म के कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जारी बात है, एक नेगेटिव था एक तरह से, लेकिन कमज़ोर नहीं थे बिल्कुल भी. कमज़ोर मैं करना चाहती भी नहीं, जो मैंने किए भी हैं वो शायद इस वजह से किए कि मुझे एक्सपेरिमेंट करने मेरे ऊपर कम थी उस वक्त. तो मुझे लगता है कि मैं वो दिखाना चाहती हूँ. एक तो लड़कियाँ कमज़ोर वैसे भी नहीं होती, औरतें जो हम दिखा देते हैं कि फजूल में रो रही है, ऐसा होता नहीं है. तो ये जो किरदार है ये एक्चुअली ऐसी लड़कियाँ होती हैं जो आगे बढ़ना चाहती हैं, जो नहीं रहना चाहती गुर्बत में, जो आगे जिन्हें जाना ही जाना है. तो अब वो बेवकूफ़ है कि वो कुछ गलत काम करके किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ाती है, लेकिन है बड़ी मजबूत लड़की. मतलब उसको पता है उसको क्या चाहिए और क्या करना है और कैसे निकलवाना है. सारा, अब आप जब शॉट पे आते हो, सीन पे आते हो, जब आपको ड्रामा मिलता है तो आपको ये तसल्ली होती है कि मैं एक अच्छी अदाकारा हूँ, आई एम अ गुड एक्टर, और मैं ये संभाल लूँगी, या अभी भी नर्वसनेस होती है? देखें, बहुत हद तक ना मैं डायरेक्टर पे रिलाय करती हूँ अपने. मुझे लगता है कि 50% उनके हाथ में होता है, 50 अपना. मैं तो 100 देना चाहती हूँ, मैं देती भी हूँ, और मैं किरदार भी वही वाले चूज़ करती हूँ जो मुझे लगता है कि मैं ये कर सकती हूँ. अगर मुझे लगता है ना कि मैं इसमें कुछ गड़बड़ कर दूँगी तो वो मैं कभी भी नहीं करती वो ड्रामा, क्योंकि मैं अपने आप को बुरा बना के नहीं दिखाना चाहती कि मैं जस्टिफाई नहीं कर सकूँ कि ये हो रहा है. और ऐसा हो रहा है आजकल बहुत ड्रामा में. हाँ, तो मैं ये करना ही नहीं चाहती. तो मैं बहुत पढ़ने के बाद वो ड्रामा चूज़ करती हूँ कि इसके साथ मैं शायद कुछ अच्छा कर सकती हूँ. आपकी जो एक पर्सनालिटी बन गई है एज एन एक्टर और एज एन इन्फ्लुएंसर, एज अ सेलिब्रिटी, वो एक मुझे लगता है बहुत ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से आपने अपनी पब्लिक दी है इमेज, कि लोगों को एक फ़ख्र होता है कि यू नो सारा खान बहुत ही पब्लिक से कनेक्ट करने वाली अदाकारा हैं जिनको लोग लुक अप टू कर सकते हैं, और कोई ऐसी कंट्रोवर्सीज नहीं निकलती. आपकी मैरिड लाइफ भी बहुत ही इंस्पिरेशनल है और बहुत ज़्यादा. तो ये अल्लाह की तरफ से हो गया है या आपने सोचा था कि मैं इस डायरेक्शन में लेके जाऊँगी अपने करियर को? मेरे जो बाबा थे ना, वो चाहते थे कि मैं, अगर मेरे पास ये ताकत है कि मुझे लोग देख रहे हैं, मुझे लोग देख के फॉलो भी करना चाहते हैं, कुछ लोग बहुत आदतें भी मेरी देख के उन्हें लगता है कि हमें भी ये करना चाहिए, तो उन्हें लगता था कि ये ताकत बहुत अच्छी जगह इस्तेमाल होनी चाहिए. अगर मैं चाहूँ तो कुछ गलत काम करके भी इस ताकत को बिल्कुल. और आजकल के जो बच्चे हैं, जो नए लोग हैं जो हमें देख रहे हैं, उन्हें वो काफ़ी जल्दी चीज़ें सीख लेते हैं. एक गलत बात नहीं आती, उन्हें लगता है कि कोई बात नहीं, वो भी तो कर रहे थे, ये हो सकता है कि नहीं सुनता. तो मुझे लगता है कि ये हम पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं भी है, लेकिन अगर क्यों ना हम अच्छा दिखा के अच्छी चीज़ें भी आगे लें. जैसे हमेशा मैं कहती हूँ कि मुझे लोग कहते हैं कि क्यों अपनी शादी को इतना ज़्यादा अवामी बना दिया है, क्यों हर वक्त आप दिखाती रहती हैं, शो ऑफ हैं आप लोग तो, और ऐसा है नहीं, और आप लोग बस दिखाना चाहते हैं कि जैसे हम बहुत खुश हैं.
तो मैं ना मेरी नज़र मेरी ज़िंदगी में ना जितने भी आदमी हैं, चाहे वो मेरे बाबा हो, मेरे भाई हो या मेरे शौहर, वो हमेशा वो रहे आइडियल भाई मेरा, आइडियल शौहर मेरे और आइडियल बाप मेरा। तो मेरी नज़र में शादी इतनी खूबसूरत एक चीज़ थी क्योंकि मैंने अपने माँ बाप की बहुत कामयाब शादी देखी। तो जब मेरी शादी हुई माशाल्लाह माशाल्लाह, तो फलक भी वैसे है। तो मुझे लगता है हमें आदमियों की ये अच्छी साइड क्यों नहीं दिखाते, तो मैं इसलिए अपनी वो चीज़ें दिखाना चाहती हूँ, दिखाती भी हूँ कि इतनी अच्छी है ज़िंदगी, लोग हो सकते हैं अच्छे, आदमी भी अच्छे हो सकते हैं, हम अच्छी चीज़ें करके भी नाम अच्छा बना सकते हैं। ड्रामों में तो हम नहीं दिखा रहे हैं, मैरिड रिलेशंस को अच्छा दिखा ही नहीं रहे जी। तो जब ऐसे ड्रामे आप देखते हो या ऐसे स्क्रिप्ट आपके पास आते हैं तो हाउ डू, कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है। हाँ। और इसीलिए आपने देखा होगा कि इस तरह के मैं ड्रामे कर भी नहीं रही हूँ। हाँ। मैं दिखाने नहीं चाहती जो होता नहीं है। मैं क्यों, एक तो ये भी है कि ड्रामों से ना लोग, बहुत लोग कहते हैं कि आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ड्रामा देख के लोग सीख रहे हैं। तो मुझे लगता है एंटरटेनमेंट है, हमें हर किस्म का काम करना है, जैसे आप एंटरटेन हो। अब वो ज़रूरी नहीं है कि मैं उसमें अच्छी इंसान बन के आपको दिखाऊँ कि आप अच्छे बने मुझे देख के। ड्रामा है, पूरी दुनिया में इस तरह के ड्रामे बनते हैं और हम देखते भी हैं बड़े शौक से। लेकिन जब पाकिस्तान की बात आती है तो जिम्मेदारी कंधों पे एक अदाकार के कंधों पे डाल देते हैं। तो मैं लेकिन वो दिखाना चाहती हूँ कि औरत मजबूत है, आदमी भी अच्छे होते हैं, औरतें भी अच्छी होती हैं, उनको अच्छी दिखाएं, उसमें रह के अच्छी कहानियाँ बनाएं। अब वो रोने वाली औरत जिसकी चार शादियाँ हो गई हैं मियाँ की, और वो तलाक दे रहा है, मार भी रहा है, लेकिन वो उसके घर में रहना चाहती है, इस चीज़ से मैं रिलेट नहीं कर पाती। और जिससे मैं रिलेट नहीं कर पा रही वो मैं दिखा नहीं सकती। राइट। मतलब मैं लोगों को समझा ही नहीं सकती वो बात जो जो खुद मुझे समझ नहीं आती। तो वही आप रोल्स भी पे वही चुन रही हैं जो पॉजिटिव जिनसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, जिसमें एक ऐसी बात भी हो कि अगर वो नेगेटिव है, अगर अनम ऐसी है, बेवकूफ़ औरत है, तो उसके साथ फिर वो चीज़ें होती भी हैं, फिर उसका एक अंजाम भी होता है कि उसके साथ ये हुआ है। बिल्कुल। तो मैं इसीलिए वो किरदार चूज़ करती हूँ जो वाकई जिससे मैं भी रिलेट कर सको। सारा मुश्किल है आजकल काम करना आपके लिए या आसान होता जा रहा है? बिकॉज ऑब्वियसली आप एक प्रोफेशनल एक्टर हो, बहुत ही अच्छे एक्टर हो, अवार्ड विनिंग, इज़ इट बिकमिंग ईजियर या मुश्किल? आपकी बेटी भी है छोटी और पूरे पूरे इतने लंबे सेट्स पे काम करना और सीन्स पूरे पूरे दिन के शूट चल रहे होते हैं, तो डायनामिक क्या है आजकल का काम का? मुश्किल अगर आप दूसरे तरीके से पूछे तो मुश्किल मेरे लिए तब आ जाता है, अगेन जब कोई ऐसी बात दिखाना चाहते हैं जिससे मैं रिलेट नहीं कर पा रही, वो मुश्किल मेरे लिए वो मुश्किल है मेरे लिए। कहीं दफ़ा ऐसा होता है कि बनता नहीं है मारना, लेकिन आप मारें बिकॉज ये ड्रामा है। ड्रामा मेरी नज़र में मारना पीटना रोना नहीं होता। तो कई दफ़ा अमीन भाई से मैं, बल्कि अमीन भाई तो खैर बहुत ही अच्छे हैं, वो खुद ही इस चीज़ को बड़ा सोचते हैं, लेकिन कई डायरेक्टर से मेरी इस बात पे बहस हो जाती है कि मैं नहीं मारूंगी ना मैं पिटूंगी।